गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले इस चैप्टर से रिलेटेड दो क्लासेस ऑलरेडी कंडक्ट की जा चुकी हैं। पहली क्लास में हमने प्लेन मिरर के बारे में डिटेल में समझा था, दूसरी क्लास में हमने कॉनकेव मिरर के बारे में समझा था और बहुत सी बातें हमने डिस्कस की थी। उसी क्लास में हमने लास्ट में इमेज फॉर्मेशन के बारे में सीखा था और हमने थ्री केसेस ऑलरेडी उसमें कंसीडर किए और रे डायग्राम की हेल्प से हमने ये उस क्लास में पढ़ा कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है। पहला केस था कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते तो हमने देखा था कि जो इमेज होती है वो फोकस पे बनती है। दूसरे केस में बियॉन्ड सी या इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता था। तीसरी कंडीशन में हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही लाके ऑब्जेक्ट को रख दिया तो हमने पाया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन रही है और वो इमेज इक्वल साइज की होती है। आज इस क्लास में हम वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखेंगे और देखेंगे इमेज का फॉर्मेशन कहां होता है। उसके बाद फोकस पे ही रख देंगे और फिर देखेंगे इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है। उसके बाद फोकस और पोल के बीच में रख के देखेंगे इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है। उसके बाद यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर हम पढ़ेंगे, क्योंकि इतना कुछ पढ़ा है तो उसका यूज कहाँ है कॉनकेव मिरर का, इसके बारे में पढ़ने वाले। लास्ट में प्रैक्टिकल करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे तुम टॉपिक को फील कर पाओगे, कॉनकेव मिरर के बारे में बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग होगी, नॉर्मल कैसे ड्रा करना है इसकी भी बेहतरीन जानकारी होगी। और जब प्रैक्टिकल हम करेंगे तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल में चीज़ें तुम देखते हो तो जो इमेज के फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं तुम उसको बेहतर ढंग से समझ भी पाते हो। तो इस टॉपिक को तुमको ज़रूर देखना है, पहले थ्योरेटिकल पार्ट देखोगे उसके बाद इस प्रैक्टिकल पार्ट को देखोगे, ताकि इस टॉपिक के बारे में हर चीज़ तुमको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। तो उसके लिए सबसे पहले हमको एक कॉनकेव मिरर बनाना पड़ेगा। तो ये कॉनकेव मिरर है, धसा हुआ जो होता है उसको बोलते हैं कॉनकेव। ये पोर्शन जो इस तरह से शेड में कर रहा हूं, इधर पेंटिंग हुई है, इसका मतलब लाइट रे इधर से टकराएगी और इसी साइड वापस आएगी, क्योंकि उधर तो पेंटिंग है, राइट। इन सब चीजों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन ऑलरेडी किया है, अगर तुमने वो क्लास अटेंड की है तो वेल एंड गुड, नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगी, क्लिक कर एक बार जरूर देखें, ताकि ये सारे टॉपिक्स तुमको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। डन। अब यहां पे मैं इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। मान लो इस कर्वेचर का, इस मुड़े हुए पार्ट का, राइट, सेंटर ये है, यानी ये एक गोला है और ये जो कर्वेचर बना है उसका सेंटर कुछ यहां पे है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसका आधा करोगे तुम तो लेस से यहां पे आधा होता है, राइट। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया अपना और ये हो गया फोकस, राइट। क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर दो इक्वल पार्ट्स में बांट दोगे तो ये वाली दूरी हमने फोकल लेंथ समझी थी और इस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, ठीक। अब वस्तु को मैं यहां पर रख देता हूं, लेट्स से यहां पे रख देता हूं। तो ऑब्जेक्ट हमने कहां पे रखा, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, राइट, ये वाला केस हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक। तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन में हमने सीखा था कि अगर लाइट रे कोई पैरेलल जाएगी, किसके पैरेलल, इस वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है, तो ये बनने वाला। अब यहां पे टकराई, टकराने के बाद रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन में पहला रूल हमने सीखा था कि ये लाइट रे फोकस से होकर इस तरह से गुजरेगी, डन। अब उसके बाद दूसरी लाइट रे हम यहां पे ले रहे हैं, यानी
रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन में हमने सीखा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे चलती है टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा रूल था कि अगर कोई लाइट रे फोकस से होकर गुजर रही है तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी, उल्टा राइट ना। तो अब हम एक लाइट रे ले लें तो इसको टकराने के बाद हमको फोकस से होके गुजारना है। अब ये मैं पहले बना दे रहा हूँ यहाँ पे, तो इसकी टेंशन मत लेना तुम, ठीक है। ये मान लो, ठीक है, तो ये फोकस से होके मैं गुजर, अब यहाँ पे इस तरह से लाइट रे यहाँ से चल रही है, ऑब्जेक्ट से चल रही है, इस तरह से मैंने किया तो लाइट रे कुछ ये इस तरह से आ गई, ठीक है। थोड़ा इधर उधर हो सकता है ये, तो ये शेडेड पोर्शन है, मतलब यहाँ पे आई टकराई और इस तरह से, ये मान लो इस तरह से, ठीक है। तो टकराने के बाद लाइट रे यू आई, फोकस से होकर गुजरने वाली लाइट रे टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी, तो ये पैरेलल हो गई, ठीक है। अब देखो ये जहां पे कट करेगी दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ये टकराई रिफ्लेक्ट हुई तो ये हुई, ये टकराई रिफ्लेक्ट हुई तो ये हुई, तो इमेज कहां पे बनेगी, यहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, करेक्ट ना, ठीक है। अब नेचर ऑफ इमेज में जो चीजें यहां हमने देखी है वही लिख देना, तो नेचर ऑफ इमेज या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। ये जो इमेज का फॉर्मेशन होता है ये लिखेंगे हम बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर फॉर्मेशन हो रहा है। लाइट रेज एक्चुअल में मीट हो रही है तो ये हुई रियल इमेज, और मैंने तुमको बताया है रियल इमेज जो होगी वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कशन किया था। तो इन रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी और यहां हमको दिख भी रही है, राइट, इन्वर्टेड इमेज है। साइज क्या होगी, इनलार्ज्ड, बड़ी साइज, बिग साइज, राइट। देखो ये इतनी लेंथ की है, ये इतनी लेंथ की, बड़ी साइज की है, तो ये हमने इस केस को कंसिडर कर लिया, डन, सिंपल था। अगर तुमने लास्ट क्लास को अटेंड किया है तो बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा, नहीं थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उस क्लास को अगर तुम अटेंड करोगे तो बहुत ही बेहतर ढंग से समझ पाओगे। ये हो गया, इसको मिटा दूँ, यानी ये केस हमने कंसिडर, अब फोकस की हम बात करते हैं। ऑल राइट, हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं फोकस पे एट एफ, ठीक है। फिर ये बनाया हमने कॉनकेव मिरर, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, और ये मान लो अपना फोकस है, तो फोकस पे ही अगर हम रख दें तो क्या होगा ये हमको देखना है, ठीक है। तो ये अपना है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रखा है, ऑब्जेक्ट एट फोकस। तो रूल वही लगाना है, पैरेलल लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस की जाएगी, यानी ये वाली एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो टकराने के बाद ये फोकस से होकर गुजरेगी, तो इसको हम फोकस से होके गुजार देंगे, इस तरह से, डन। अच्छा, फिर एक रूल मैंने और बताया था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे जाएगी तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो यहां से अगर लाइट रे यू जा रही है, राइट, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर सीधे में है तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए लाइट रे यू गुजर जाएगी, राइट। सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने बताया है ये नॉर्मल होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा नॉर्मल होता है, चाहे यहां ड्रॉ करोगे तब भी नॉर्मल, मतलब 90 डिग्री, यहां से 90 डिग्री है ना, इसके बारे में मैंने डिटेल में समझाया। फिलहाल सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल पे कोई लाइट रे जाती है तो टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस हो, ये लाइट रे गई टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस हो गई। अब यहाँ पे तुम देखो लाइट रे तुमको ऐसा लग रहा है कहीं पर मिलेगी, तो ऐसा लग रहा है कहीं पर नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा हम मानते हैं कि जो पैरेलल लाइट रेज होती है वो अनंत में जाकर इमेज का फॉर्मेशन
करती है। तो मान लो ये बड़ी सी इमेज यहां पर बन गई। इमेज कहां बनी? अनंत पे। तो यहां पे लिखेंगे हम इमेज एट इंफिनिटी, राइट। ठीक है, इमेज एक्चुअल में लाइट रे यहां पे जा रही है तो मीट करेगी तो रियल इमेज बनेगी, राइट। और साइज वेरी लार्ज, नहीं? ठीक है। अच्छा, रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी, क्योंकि रियल के साथ इन्वर्टेड होता ही होता है, तो इन्वर्टेड होगी। तो ये नेचर ऑफ इमेज के बारे में हमने सीखा और फोकस पे हमने रखा तो हमको ये रिजल्ट मिला। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ऑल राइट, अब इसके बाद हम एफ और पी के बीच में अगर रखते हैं तो क्या होता है, इसको चेक कर लेते हैं। तो एफ और पी, ठीक है, इसको यहीं पर रखते हैं, बिटवीन एफ और पी कर दें इसको, बिटवीन एफ एंड पी। ये पोल है और ये फोकस है, यही एक केस बचा हुआ है, राइट। और हर जगह तो हमने रख के ऑब्जेक्ट को देख लिया कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया इस तरह से। ठीक, अब यहां पे हमने रखा तो रूल वही, अगर पैरेलल लाइट रे जाएगी यहां से तो टकराने के बाद इसको फोकस से होकर गुजरना पड़ेगा, तो ये फोकस से होकर लाइट रे ऐसे गुजर जाएगी, डन। दूसरा है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे तुम ले रहे हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है अपना, राइट, यू, ये देखो, राइट। तो ये लाइट रे यहां पे गुजरी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां लाइट रे गई टकराई, टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर उसके बिल्कुल सेंटर में है तो वहां लाइट रे जाएगी और उसी रास्ते से होकर गुजर जाएगी, क्योंकि ये नॉर्मल है कर्व सरफेस का, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन नॉर्मल होती है। जैसे प्लेन मिरर में हमने सीखा था, अगर लाइट रे यहां पे गई आई तो उतने ही एंगल पे चली जाती है, अब लाइट रे अगर थोड़े कम एंगल पे आई तो उतने ही एंगल पे ये नॉर्मल से 90 डिग्री से घूम, अगर इसी पे आई तब, जीरो पे आई तो जीरो पे ही वापस होगी, करेक्ट। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये होना ही होना है, हो गया। तो यहां तुमको लग रहा है लाइट रे कहीं मिलेगी तो ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा लग रहा है लाइट रे कभी मिलेगी नहीं, करेक्ट। तो एक्चुअल में लाइट रे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि इसको अगर कोई चीज ऐसी है ऐसी, तो इसका मतलब ये तो ऐसे बढ़ती जाएगी, पीछे साइड में जाओगे तो मिल सकती है। तो पीछे साइड में हम देख लेते हैं कहां पे, तो इसको अगर मैं प्रोड्यूस करूं, ठीक है, अब ये जबरदस्ती मैं बढ़ा रहा हूं क्योंकि यहां तो हमने पॉलिश कर रखी है, करी है कि नहीं, तो पीछे लाइट रे तो जा नहीं सकती, लेकिन हमको ऐसा आभास होता है, हमको ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पे लाइट रेज मिल रही है। अब यहां पे मैं एक वर्चुअल इमेज बनाने का, देखो बड़ी साइज की इमेज बन रही है लेकिन ये वर्चुअल है, क्योंकि हमने लाइट रे को जबरदस्ती इधर बढ़ाया, तो हमारी आंख अगर यहां पे है तो उसको क्या लगेगा, इमेज कहां पे बन रही है, यू हमारी आंख है, ठीक, तो उसको लगेगा इमेज यहां पर बन रही है। ठीक, अब नेचर ऑफ इमेज के बारे में बात कर लेते हैं, इमेज कहां बन रही, इमेज, इमेज बियॉन्ड या बिहाइंड, लिखो बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बन रही है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट केस भी है, क्योंकि कॉन्केव मिरर में सिर्फ एक कंडीशन यही है जिसमें फोकस और पोल के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बनती है और अपराइट बनती है, सीधी बनती है, बाकी जितने भी केसेस हैं सब में इन्वर्टेड इमेज बनती है, जैसा कि हमने देखा। ओके, तो ये वर्चुअल इमेज होगी क्योंकि हमने लाइट रे को प्रोड्यूस किया है, इधर जबरदस्ती बढ़ाया है, वर्चुअल होगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा अपराइट होती है या इरेक्ट होती है, राइट, राइट, ओके, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी, इस तरह से बन रही है, ओके। और इमेज की साइज क्या है, ये देख के ही, इन लार्ज, राइट, बड़ी साइज होती है, इन लार्ज, राइट।
तो इस तरह से यहां पे इमेज का फॉर्मेशन हमने कर लिया। तो पूरा अगर ध्यान से देखोगे जितनी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो तुमने देखा कि एक ही केस ऐसा है कॉनकेव मिरर में जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है और इसकी साइज से बड़ी साइज की बनती है, राइट ना। तो चलो अब जितने केसेस हमने अभी तक पढ़े इमेज फॉर्मेशन में रे डायग्राम की हेल्प से, उनको यहां पर लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। तो फटाफट से कर लेते हैं, मिटाने वाले कहाँ गया कुछ पता नहीं, तो हाथ से ही मिटा देते हैं। ऑलराइट, देखो यहाँ पे ये मैंने बनाया और इस तरह से ये है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, करेक्ट। अब मान लो ये इन्फिनिटी है, फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, इसको मैं ओ बोल रहा हूं या ओ वन बोल दूं, यानी पहला केस हमने इन्फिनिटी पे रखा है। अच्छा, तो यहां पर इसको मान लेते हैं हम फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलो ऐसा रखते हैं ना, तब थोड़ा और बेहतर। ओ वन करते हैं मतलब ऑब्जेक्ट है, तो इमेज आई वन कहाँ पे बनती थी, आके यहाँ पे बनती थी। जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज का फॉर्मेशन फोकस पर होता था, करेक्ट। ऑल राइट, उसके बाद यहाँ पे हमने से रखा, बियॉन्ड सी जब हमने रखा, यानी ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे कहीं पे रखा ओ टू, यानी सी और इसके बीच में। चलो लिखते भी जाते हैं इमेज कहाँ पे बन रही है। एट इन्फिनिटी जब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ पे बन रही है, फोकस पे बन रही है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हम रखते हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर रखते हैं, तो हमने देखा था कि इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, मतलब इसके बीच में कहीं पर भी हो सकता है। तो I2 कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, राइट। I2 से इमेज मैंने लिया, O से ऑब्जेक्ट लिया, तो मान लो ये है और ये ऑल राइट। तो इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन C एंड F, ऑल राइट। अब उसके बाद हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया, ऑब्जेक्ट O3 हमने यहाँ पे रख दिया, राइट, यहाँ पे रखा, तो इमेज का फॉर्मेशन भी हमने कहाँ पे रखा, एट सी, सी पे ही रख दिया, तो इमेज का फॉर्मेशन एट सी ही होता है, यानी सी पर ही होता है और इक्वल साइज की इमेज होती है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख देते हैं, यानी ओ फोर का केस, यानी अगर मैं दिखाऊं आई थ्री का, तो आई थ्री और ओ थ्री एक ही जगह है ना, इसी जगह बनती है। ओ फोर का केस मैं लेता हूँ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में, तो इमेज यहाँ पर बन जाती है, मतलब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन जाती है। तो ओ फोर की इमेज जो बनती है, आई फोर यहाँ पर बनती है, ठीक। अब उसके बाद जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया, एट बिटवीन रखा, चलो बिटवीन बिटवीन सी एंड एफ अगर ऑब्जेक्ट रखा हमने, सी एंड एफ, तो इमेज का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, बिटवीन बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, राइट, या बियॉन्ड सी भी बोल सकते हो इसको। अब हमने इमेज यहां पे बनी है, हमने ऑब्जेक्ट को यहीं पे रख दिया, तो यहां पे ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रख दिया, तो ये फिफ्थ केस होगा। तो इमेज जो बन रही है आई फाइव, वो इन्फिनिटी पे बन रही है। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी, डन। फिर हमने सिक्स्थ केस कंसीडर किया था, सिक्स्थ केस हमने अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, यानी ओ सिक्स, इसको लिख दो ओ सिक्स, तो हमने देखा था जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, आई सिक्स जो होगा वो मिरर के पीछे होता है, राइट।
तो एक चीज अगर तुम ध्यान से देखो, तो जब ये मान लो, देखो इसको ध्यान से देखना, ये मान लो इमेज है और ये मान लो ऑब्जेक्ट है, तो कैसी सिचुएशन हो रही है? इन्फिनिटी पे है तो इसकी इमेज कहां पे बन रही है? फोकस पे, और उल्टी बन रही है यूं, ठीक। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को सी के इधर रखा, इस पॉइंट को लिख देता हूं, ये सी है, ये अपना सी है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट सी है, ठीक है, ये वाला पॉइंट एफ है, ठीक। इस तरह से अगर अब इसके कलर पे मत जाना क्योंकि मेरे पास यही मार्कर अवेलेबल है, तो ये हेड वाला पोर्शन सोचना, ये हेड है और ये वाला पोर्शन टेल है, ठीक। तो यहां पे इन्फिनिटी पे अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा तो इसकी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है फोकस पे, लेकिन छोटी इमेज बनती है और इन्वर्टेड होती है इस तरह। अब इसको छोटा तो नहीं कर सकता ना, बोल रहा हूं छोटी इमेज बनती है, ठीक। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां पे लाके रखता हूं तो इमेज क्या होती है? इधर खिसक जाती है, यानी वस्तु को इधर लेके जा रहे हैं तो इमेज इधर भागी जा रही है, यहां पे पहुंच गई, ठीक है भाई। उसके बाद हमने i4, हां यहां पे हमने रख दिया। देखो फिर से एक बार दोबारा से देखो, वस्तु को मैंने यहां पे रखा, इमेज का फॉर्मेशन फोकस पे हुआ, वस्तु को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, यहां पे रख रहा हूं, यानी मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रख रहा हूं, तो इमेज का फॉर्मेशन ये इन्वर्टेड। उसके बाद मैं वस्तु के लाके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहा हूं, तो इमेज का फॉर्मेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, इन्वर्टेड होगा। फिर वस्तु को मैं लाके यहां पे रख रहा हूं O4 पे, तो इमेज का फॉर्मेशन इधर हो रहा है, ठीक है। फिर वस्तु को लाके मैं यहां पे फोकस पे रख रहा हूं, तो इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे हो गया। अब इन्फिनिटी से आगे तो इमेज बन नहीं सकती, करेक्ट। तो वस्तु को जब मैं यहां पे रखता हूं तो इमेज खटाक से इधर बन जाती है, जो कि वर्चुअल इमेज होती है। तो ये है फंडा, और होना भी चाहिए यार। देखो अगर इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज फोकस पे बन रही, तो फोकस पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज इन्फिनिटी पे बनना चाहिए। अब इन्फिनिटी तो अनंत है, इसके आगे कहाँ इमेज बनेगी? कोई रास्ता है? नहीं है। तो इसके बीच में जैसे रखते हैं इमेज पीछे बन जाती है, बियॉन्ड बिहाइंड मिरर बन जाती है, ठीक है। तो ये तो इमेज के फॉर्मेशन के बारे में अब तक हमने सीखा। अब चलो हम बात करेंगे यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो टॉर्च में इसका इस्तेमाल हम करते हैं, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। पहला टॉर्च में, ठीक है, और हेडलाइट में हम करते हैं, हेडलाइट जो गाड़ी की हेडलाइट होती है ना, हेडलाइट में। डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं, दांत के डॉक्टर होते हैं, और भी बहुत सी जगह इसका यूज किया जा सकता है। अब देखो ये कैसे वर्क करता है और किस तरह से यूज करते हैं ना। टॉर्च तुमने देखा होगा, तो टॉर्च में से अंदर धंसा होगा, टॉर्च को देखो अंदर ऐसे धंसा होता, और ये हमारी होती है टॉर्च, करेक्ट। और इस तरह से यहां पे बटन होती है, जो चीजें और बाकी पीछे है। अब ये टॉर्च, ये अगर तुम देखो तो ये कैसा है? कॉनकेव के जैसा, करेक्ट। और यहां पे चमकीला पोर्शन होता है, टॉर्च को देखो कभी सामने से तो तुमको अंदर चमकीला और धंसा हुआ पोर्शन लगेगा। इसके फोकस पे ही बल्ब रखा जाता है, इसका जो टॉर्च का बल्ब है इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि ये फोकस पे लगा हो, तो ये फोकस पे रखा है। अब हम जानते हैं कि फोकस से चलने वाली लाइट रेस टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी, तो लाइट रे यहां पे गई टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी, यहां गई टकराने के बाद पैरेलल, यहां गई टकराने के बाद पैरेलल, तो ये लाइट रे ये यहां पे, ठीक है। उसके बाद लाइट रे यहां गई टकराने के बाद पैरेलल, राइट, यहां पे गई टकराने के बाद पैरेलल, और तुम टॉर्च जलाते हो तो ये लाइट रेस तुमको सामने से दिखती भी है, ठीक है। तो देखा इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस का इस्तेमाल हमने किया और फोकस पे रखा बल्ब को,
तो जो लाइट रेज यहाँ पे टकरा रही वो पैरेलल हो जा रही है, फोकस से चलने वाली लाइट रेज टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है, सेकेंड रूल इमेज फॉर्मेशन का। तो इस तरह से हमने टॉर्च में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करके लाइट को लिया। अब हेडलाइट में भी ऑब्वियसली ऐसे होता है, जैसे कार है, कार की हेडलाइट में भी अंदर ऐसे ही होता है जैसे इसमें, उसमें भी फोकस पे रख देते हैं तो हेडलाइट आगे लगी है, ऐसे करके लगी होती है, जब लाइट रेज आती है तो यहां से टकरा के ऐसे फोकस चलने वाली लाइट इज पैरेलल, तो इसमें भी उसी का इस्तेमाल करते हैं। ये वाला जो डेंटिस्ट यूज करते हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी का, लास्ट वाली प्रॉपर्टी का, जिसमें फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता तो पीछे इमेज बनती है और बड़ी साइज की बनती है ना। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम यहां पर कर लेते हैं, क्योंकि अगर यहां पे जैसे अगर मुझे कोई छोटी चीज को बड़ा देखना है तो ये देखो, और ये है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस। अब इसके बीच में रख दूंगा तो जैसे मैंने दिखाया था इमेज बड़ी साइज की बनेगी, सीधी बनेगी और बड़ी साइज की, तो जो चीजें यहां पे नहीं दिख रही इसके इस कॉनकेव मिरर की हेल्प से बहुत आसानी से हमको दिखेंगे, राइट। अब इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल और भी कई जगह किया जाए, तुमने देखा होगा वो जब एंटीना लगा होता है घरों के ऊपर, तो एंटीना कुछ इस साइज का होता है, ऐसे टाइप में होता है, राइट ना। अब वो मिरर तो नहीं है लेकिन शेप देखो कॉनकेव के जैसा होता है, वहां पे ऐसा उभरा हुआ ऐसा पोर्शन होता है, तुम देखोगे एक जो है छड़ के माध्यम से उठा हुआ पोर्शन, ये जानते हो उठा हुआ पोर्शन कहाँ पे एडजस्ट किया जाता है, ये जो मिरर है ये मिरर के जैसा है, कॉनकेव के जैसा है, ये इसके फोकस पे किया जाता है। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो लाइट रे यहां से आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे आ रही है, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टकराने के बाद पैरेलल लाइट रे कहां से होके जाएगी, तुम बोलोगे फोकस से। एक लाइट रे यहां पे आ रही टकराने के बाद किससे, फोकस से। ये लाइट रे आ रही पैरेलल टकराने के बाद फोकस से, ये फोकस पे। तो इसका मतलब यहां पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, करेक्ट। तो देखना तुमने कि फोकस पे रखने से, कॉनकेव मिरर में कोई चीज फोकस पे रखने से टकराने के बाद लाइट रेज पैरेलल हो जाती है, और दूसरा रोल कि अगर कोई चीज पैरेलल आ रही है तो टकराने के बाद वो फोकस से होकर गुजरेगी। इस दो कॉन्सेप्ट का यूज हमने किया, टॉर्च, हेड लाइट और जो घरों के ऊपर एंटीना लगा होता उसमें सब में हम यूज कर लेते हैं। डेंटिस्ट लोग क्या करते हैं, वो लास्ट वाली प्रॉपर्टी जिसमें वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है उसके माध्यम से कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने कॉनकेव मिरर के बारे में सारी चीजें पढ़ ली। अब बात आती है प्रैक्टिकल करने की, तो सबसे पहले मैं तुमको प्रैक्टिकल के थ्रू, जब तुम नोटबुक में या एग्जाम में तुम ड्रॉ करोगे कैसे करोगे उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे, तो कुछ चीज़ें मुझे लेनी पड़ेगी, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अब मैं रे डायग्राम की हेल्प से इमेज का फॉर्मेशन करके तुमको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। मार्कर, ये है प्रोटेक्टर और ये है स्केल। तो सबसे पहले हमको एक कॉनकेव मिरर की ज़रूरत पड़ती है, तो हम एक कॉनकेव मिरर यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक, ये हमारा हो जाएगा शेडेड रीजन, यानी लाइट रे आर पार यहां से नहीं जा सकती है, पेंट किया होता चमकता हुआ सरफेस यहां पे। उसके बाद हमको जरूरत पड़ती है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो प्रिंसिपल एक्सिस यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। जो मैंने ड्रॉ की प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अब यहां से मैं ये देखो यहां पे 18 यहां पे मान लेता हूं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट। तो इसका आधा पे फोकस होगा, 9 यहां पे है, तो ये पॉइंट सी हो गया और ये पॉइंट एफ हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फोकल लेंथ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, राइट। तो ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसको मैंने आधा किया तो मुझे फोकस वाला पॉइंट मिल गया और ये दूरी फोकल लेंथ हो गई, ठीक। लेट्स से कि जो वस्तु है यहां पर है, ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है, यानी ऑब्जेक्ट हमने कहां पे रखा है, बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट
बियॉन्ड सी, ठीक, ये ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है। ओके, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन में मैंने तुमको सिखाया था कि अगर तुमको रे डायग्राम बनाना है तो एटलीस्ट टू रेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एक रेज अगर मैं पैरेलल लेके जाता हूं, तो चलो पैरेलल किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो यहां से मैं एक लाइट रे लेके जाता हूं, ठीक, जहां पे टकराएगी इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम बोलते हैं और डायरेक्शन हम इस तरह से दिखाते हैं। ऑलराइट, अब ये जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल होता है उसके बीच का एंगल होता है एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का एक रूल, करेक्ट। तो इसका मतलब अब मुझे पड़ेगी नॉर्मल की जरूरत, और मैंने तुमको कई बार सिखाया है कि स्फेरिकल मिरर में कर्व सरफेस में अगर तुमको नॉर्मल पता करना है तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये जो है उससे एक लाइन ड्रॉ करो सेंटर की तरफ, वही हो जाएगा नॉर्मल। तो ये सेंटर है, तो नॉर्मल हमारी ये लाइन हो जाएगी, तो ये जो एंगल बनेगा हमारा यही होगा एंगल आई। अब इस एंगल को हमें मेजर करना है कि कितने डिग्री का है, तो इसके लिए हम प्रोटेक्टर की हेल्प लेंगे। ये प्रोटेक्टर है, ये वाली जो सीधी वाली लाइन नीचे वाली है मैं इसको रखूंगा नॉर्मल से, और नॉर्मल से ये वाली लाइन कितनी दूर है वही हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पे मैंने रखा इस तरह से, राइट, यहां पे तुम अगर देख पा रहे हो तो ये जीरो है, ये 10 डिग्री, ये 20 है और ये 20.5 आ रहा है, तो यहां पे मैं 20.5 लिख दूंगा, ठीक है। अब रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन में मैंने तुमको सिखाया है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज जाती है तो टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। अब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हम वो नहीं सोचेंगे, फिर भी देखेंगे और फिर भी हम ये पाएंगे कि फोकस से ही लाइट रे होकर गुजर रही है, हम सिर्फ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे। तो अगर ये वाला एंगल नॉर्मल से ये वाला एंगल 20.5 है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग टू जब लाइट रे यहां से होकर गुजरेगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 20.5 होना चाहिए। तो चलो अब यहां 20.5 देखते हैं कहां पर पड़ता है, तो यहां पे मैंने यू रख दिया। अब 20.5 ये देखो, यहां पे 20 है, ये 30 है, इसके बीच में 20.5 यहां पे पड़ा और यहां पे मैंने लगा दिया, ठीक है। तो अब यहां से मैं इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से इसको बढ़ा दूंगा, तो मैंने इसको लाइट रे को इस तरह से बढ़ा दिया, करेक्ट। ये वाला एंगल कितना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार, और हमने मेजर करके इसको लिखा यहां पर, ये भी इसी के बराबर है, एंगल आर बराबर 20.5। अमेजिंग, तुम यहां पे ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि रिफ्लेक्टेड रे फोकस से ही होकर गुजर रही है, करेक्ट। देखो यहां फोकस था ना, फोकस से होकर गुजर रही है। तो एक लाइट रे गई, इंसिडेंट रे गई सरफेस पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकराई, टकराने के बाद एंगल आई जितना है एंगल आर बनाते हुए वो जाती है तो फोकस से होकर गुजरती है। एक रे डायग्राम का हमने रिफ्लेक्शन देख लिया, लेकिन इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको एटलीस्ट दो रेज चाहिए होती है। तो दूसरी रेज के लिए हम यहां पर देखते हैं। देखो मैंने बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट रे गुजरती है तो टकराने के बाद वो उसी सेम रास्ते से लौट जाती है। तो ये अपना हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे, तो लाइट रे में बना देता हूं, ये लाइट रे हुई, ये गई यहां पर गई और यहां पर टकराई, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे जब जाएगी तो टकराने के बाद इसी रास्ते से वापस आ जाएगी। रिफ्लेक्टेड रे जहां पे एक दूसरे को कट करती है उसी जगह पे हमको शार्प इमेज मिलती है। देखो
इमेज कई जगह मिले, धुंधली मिलेगी, लेकिन शार्प इमेज तुमको यहां पर मिलेगी। हम जनरली कैसे दिखाते हैं, यहां कट करती है तो हमको ऐसा लगता है इधर थोड़ा सो जाएंगे तो इमेज ही नहीं बनेगी, राइट? ऐसा नहीं है, धुंधली पड़ हम शार्प इमेज की बात कर रहे हैं, एकदम क्लियर इमेज जहां पे हमको दिखेगी। तो यहां पर देखो, तो लाइट रे यहां पे कट कर रही है, यहां पे गई टकराने के बाद ये आई, यहां पे गई टकराने के बाद ये आई, दोनों टकराने के बाद लौटने वाली लाइट रे यहां पे मिल रही है। तो मैं यहां पे इस तरह से बना लूंगा, ये हो गया हमारा इमेज का फॉर्मेशन, ये हुआ रे डायग्राम। तो ये बड़ी, अब इसका नेचर ऑफ इमेज तुम लिखना चाहो तो नेचर ऑफ इमेज तो ऐसे लिखोगे, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, इमेज कहां पे बन रही है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बन रही है। रियल इमेज है, हाँ रियल है, क्योंकि लाइट रे को हमने प्रोड्यूस नहीं किया, ये खुद से लाइट रे टकराने के बाद यहाँ पे मिल रही है, तो ऐसी इमेज रियल होती है। और मैंने तुमको सिखाया है रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, अगर नहीं भी सोचो तब भी देखो यहाँ पे हेड वाला पोर्शन, यहाँ पे हेड से ही तो लाइट रे निकाली है, तो हेड जहाँ जहाँ पे कट करेगा वहाँ हेड ही बनेगा, तो इसका मतलब टेल वाला पोर्शन कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, राइट? तो ये इन्वर्टेड है ना, और इसकी साइज क्या है, स्मॉल है, इसके कंपैरिजन में छोटी साइज की है, तो स्मॉल साइज की है। तो इस तरह से तुमको रे डायग्राम बनाना होता है। आई होप तुम बेहतर ढंग से समझ गए होगे कि अगर पैरेलल लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के आती है तो टकराने के बाद फोकस से क्यों होकर गुजरती है, वो इसलिए क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होना ही चाहिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग टू। तो तुम बनाओगे तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं रहेगा, वो लाइट रे फोकस से ही होकर गुजरेगी, और इसी को हमने नियम बना दिया कि जब भी तुम पैरेलल लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के रखो तो टकराने के बाद उसको फोकस से गुजारना होगा। इसी तरह से और भी इमेज का फॉर्मेशन तुम कर सकते हो। आई होप ये तुमको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अब हम रियल वाला जो कॉनकेव मिरर है उसको लेंगे और उसकी हेल्प से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे कि इमेज कैसे बड़ी बनती है। जैसे डेंटिस्ट वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था, इमेज बड़ी बनती है राइट जब वर्चुअल होती है, राइट? लास्ट वाला एग्जाम्पल इमेज फॉर्मेशन में जो मैंने बताया था, और बाकी इमेज कैसे उल्टी हो जाती है, इन्वर्टेड हो जाती है, और कैसे इमेज सीधी हो जाती है, इसके बारे में हम सीखने वाले हैं, ठीक है? तो चलो कॉनकेव मिरर ले लेते हैं और उसके बाद हम इसको समझते हैं, ठीक है? इस प्रैक्टिकल के थ्रू हम समझने वाले हैं कि कॉनकेव मिरर पे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये बैक साइड ऑफ कॉनकेव मिरर है, तुम देख रहे होगे एक स्टैंड पे स्फेरिकल शेप का एक कॉनकेव मिरर लगा हुआ है, पीछे साइड में ये पेंटेड है ताकि रिफ्रैक्शन ना हो सके, रिफ्लेक्शन हो, क्योंकि सामने का सरफेस चमकीला है यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस पर लाइट रे पड़ेगी और उसके बाद टकराने के बाद इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब वन बाय वन करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पोल कहाँ पे है। ये है प्रिंसिपल एक्सिस जो रेड कलर से मैंने शो की। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, एक स्थान पे पी लगा हुआ है, इसी के सामने, अब बैक साइड में ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये है पोल। अब उसके बाद आगे बढ़ोगे तो तुमको मिलेगा फोकस। इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो ऑलरेडी मैंने वहां पे मार्क लगा दिया हुआ है, ये पॉइंट है फोकस का। अब आगे बढ़ोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, रेड कलर से मैंने दिखाई हुई है, और जहाँ पे फिंगर जा रही है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और जहाँ पे कैंडल लगी हुई है हम इसको इन्फिनिटी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये कॉनकेव मिरर से बहुत दूर पर है, राइट? अब तुम यहाँ से ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हो, कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी पे लगी कैंडल, सब एक सीध में है, राइट? एक स्ट्रेट लाइन में है। अब ये मैंने रखा फोकस पे एक पेपर जिसको एज अ स्क्रीन तुम समझ सकते हो, कोई इमेज का फॉर्मेशन इस पर नहीं हो रहा है,
उसका रीज़न ये है कि जो कैंडल से लाइट आ रही है वो टकरा नहीं रही है कॉनकेव मिरर पे, राइट। अब देखो, जैसे पेपर उठाया, नीचे से लाइट रे आई, टकराई, और टकराने के बाद फोकस पर इमेज बन रही है। तो इन्फिनिटी पे हमने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, कैंडल को, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है फोकस पर, ये रियल है, इन्वर्टेड है, इसीलिए इसकी इमेज स्क्रीन पे बन रही है। आई होप इस पॉइंट को तुम अच्छी तरह से समझ गए होगे। अब कैंडल को हम रख रहे हैं इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ये हमने रख दिया। अभी इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है क्योंकि लाइट रे पास नहीं, अब नीचे से लाइट रे जाएगी, टकराएगी, टकराने के बाद लाइट रे जो है उसका इमेज का फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट का हो जाएगा स्क्रीन पर। ध्यान से ऑब्जर्व करते रहो, अभी कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं, अब नीचे से लाइट रे आएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराएगी, और उसके बाद ये देखो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। फोकस पे छोटी साइज की इमेज बन रही थी, इसमें थोड़ी सी लंबी इमेज बन रही है, राइट, उससे बड़ी है लेकिन उतनी भी बड़ी नहीं है, ऑब्जेक्ट से छोटी ही बन रही है। तो जो ऑब्जेक्ट है यानी कैंडल, उसकी फ्लेम की इमेज हम यहां पर देख रहे हैं। तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो जहां पे एरो बना हुआ है, राइट, ये इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये इमेज जो है इन्वर्टेड है, रियल है, स्मॉल साइज की है, और इस इमेज का फॉर्मेशन तब होता है जब ये बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है। अब हम कैंडल को थोड़ा सा आगे लेकर आएंगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही कैंडल को रख देंगे, यानी हमारा ऑब्जेक्ट अब है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, लेकिन एग्जैक्टली उसके ऊपर रख दिया गया तो देखो जलने लगा, थोड़ा सा पीछे रखते हैं ताकि बेहतर ढंग से दिख सके हमको। और ये देखो इक्वल साइज़ की इमेज बनती है, इन्वर्टेड तुमको दिख रही होगी, राइट। तो इमेज का फॉर्मेशन थोड़ा सा पीछे करने पर भी तुमको इमेज दिखती है वहाँ पर, राइट। अब तुम थोड़ा और बेहतर ढंग से देख पा रहे होगे कि इमेज इन्वर्टेड है, स्क्रीन पे आ रही है, तो ऑब्वियसली ये रियल इमेज का फॉर्मेशन हुआ। अब हम कैंडल को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, तो हमने रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो देखते हैं इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। अब तुम देख रहे होगे इमेज डिमिनिश्ड है लेकिन लार्ज साइज की बन रही है, यानी जो ऑब्जेक्ट यानी कैंडल की जो फ्लेम है उससे बड़ी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ लेके आते हैं इमेज दूर भागती जा रही है, राइट। इमेज का फॉर्मेशन अब हो रहा है इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, या बियॉन्ड सी फॉर्मेशन हो रहा है। तुम ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हो और देख सकते हो, राइट, इमेज बड़ी है लेकिन धुंधली, उतनी शार्प इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब कैंडल को थोड़ा से और लेके आते हैं और फोकस पे रख देते हैं। जब हम फोकस पे रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन होता है इन्फिनिटी पे, और बड़ी साइज़ की इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। लेकिन रियल इमेज होती है इसलिए पेपर पे ज़रूर आएगी। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो बड़ी सी इमेज बन रही है कुछ स्फेरिकल शेप में, राइट, जहाँ पे एरो से दिखाया जा रहा है, करेक्ट। हाँ, ये बड़ी साइज़ की इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये रियल है, इन्वर्टेड है, डेमिनिश्ड है, लार्ज है, और इन्फिनिटी पे इमेज का फॉर्मेशन होता है जब हम फोकस पर ऑब्जेक्ट या कैंडल को रखते हैं, करेक्ट। अब हमने कैंडल को रख दिया पोल और फोकस के बीच में, इमेज जो बनेगी वर्चुअल अपराइट बिहाइंड मिरर लार्ज, और वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे हम नहीं देख सकते हैं, स्क्रीन पर नहीं देख सकते हैं, इसलिए देखो पेपर पे इमेज ये आ ही नहीं रही है, तो हमको फ्रंट में जाना पड़ेगा और मिरर के अंदर देखना पड़ेगा, तो कैमरा उधर घुमाना होगा ताकि हम देख सकें कि इमेज का फॉर्मेशन जैसे प्लेन मिरर में होता उसी तरह से यहाँ पर होता है। लेकिन प्लेन मिरर में सेम साइज़ की होती है, कॉनकेव मिरर में लार्ज साइज में इमेज बनती है। अब तुम सामने से फ्रंट से देख सकते हो, यहाँ पे कैंडल है, कैंडल की फ्लेम जितनी बड़ी उससे बड़ी